दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे, मैं दम बढ़िया हूँ। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की शुरुआत करूँ मैं सुबह के 7 बजे से, और आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं उठ गई थी 6:30 बजे, तो सुबह अब नहा गई मैं, पापा ने पानी रखा हुआ था, और मैं अब चाय पी रही हूँ, उसके बाद बनाती हूँ पूड़ी पकौड़ी। तो बज चुकी 9 और मैंने पूरा खाना खुना बना दिया है, और कचौड़ियाँ बनाई और पकौड़ी। अब फूल तोड़ते हैं, फूल की माला बनाते हैं, टोकरी कैसे रुकी, टोकरी काली। यहाँ पे हो रखे हैं ये फूल, ये तोड़ती मैं, हमारे घर के नीचे हो रखे हैं ये, तो तोड़ दिए मैंने फूल। और अब बनाते इसकी माला। मौसम कितना खराब हो रखा भाई, बारिश आ रखी है कल से, और ठंडा कितना भयंकर लग रहा है भाई। सुबह सुबह नहाना है, मतलब जंग लड़ने के बराबर हो रहा था भाई। तो दिया है? कोई नहीं, इन्हें बड़े थे वाला। छोटा सा मंदिर, यहाँ पे एक फूल की माला यहाँ बना रखी, दो वहां पे लगा दिए हैं, और ऊपर दूसरी माला लगाएंगे हम। और अब हम गौ माता को पूजने जाएंगे। यहाँ पे थाली रख दी मैंने, और ये आटा के बना रखे हैं गोल गोल, उनको खिलाएंगे। और तेल है, और मिठाई, और पूड़ी है, और फूल भी लगाएंगे गौशाला में, फूल लेके चलते हैं हम। तो अब जा रही मैं खेत, और थोड़ा घास लूंगी, क्योंकि घास है नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा घास वो ला के आती हूँ। और सुनार पानव नृत्य स्टार्ट होने बैठ गया आज से, वहाँ के ढोल की आवाज़ सुन रही ना, अच्छा लग रहा है। तो हमारे यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा फिर, मैंने हमारे गांव में नहीं हुआ ना, तो दूसरे गांव नहीं है वहाँ होगा, क्योंकि हम जो है ना, हम सब मतलब एक ही वो है, ग्राम पंचायत हमारी एक ही है, तो इसलिए। तो अभी फटाफट फिर घास लेती हूँ, क्योंकि हमारे गाय पे ना मैंने खोल रखी है, आज तो धूप ही नहीं लग रही उतनी खास, तो मैंने रख सुबह से खोल रखी वो, और क्योंकि सुबह मैं धूप कहाँ आ रही थी, तो मैंने पूजा भी उसकी वहीं पे कर दी थी, मैंने अंदर ही कर दी थी। और फिर उसके बाद धूप आने बैठ गया, मैंने खोल देती हूँ क्या करना उसको अंदर रख के, तो खोल दिया मैंने, बाहर पे खोल रखी मैंने भी, तो मैंने कहा जब तक मैं तो घास लेके आती तब तक वो धूप सेक लेगी, तो उसके बाद बंद कर दूंगी उसको अंदर। तो मैं खेत में पहुंच चुकी हूँ, और ये
तो यहाँ से काटती हूँ मैं घास और फिर चलते हैं। तो मैंने घास भी काट दिया और थोड़ा सा ठेलकू भी काट दिया यहाँ पे, थोड़ा सा ठेलकू भी काट दिया। और अब चलती हूँ घर, धूप भी आने वो धूप भी ढलने बैठ गई है और गाय तो गाय को बांधना भी है अभी, तो चलते हैं फटाफट। सारी शुभकामनाएं और भोलेनाथ और राम जी चाहे आपके घर में खुशियां भरी आए इस दीपावली को। और मुझे तो बहुत खुशी है कि आपको मैं भैया ने मेरे को एक बहुत अच्छा सा ना एक या दो बहुत आऊंगी मैं आपको दो दो तोहफे दे रखे हैं, गिफ्ट दे रखे हैं। तो मैं भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि भैया को पता है कि उन्होंने क्या गिफ्ट दिया है मुझे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि भैया ने मुझे गिफ्ट दिया क्या है। न्यू फोन दे रखा भैया ने, पैकिंग तो भैया ने ही ना वहीं से ओपन कर रखी है, मैंने भी थोड़ा नीचे देख लिया था खोल के कि और पापा को दिखाया था ना मैंने कि ऐसे है, तो अब देखते हैं कैसा है क्या है। तो ये रहा मेरा न्यू फोन, न्यू गिफ्ट। ये है यार, ये कपड़ों पे हो रहा हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। थैंक यू सो मच भैया मुझे ये तोहफा देने के लिए, क्योंकि आजकल मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मुझे इसकी जरूरत है कि मैं अच्छा फोन चाहिए मुझे। तो देखते हैं कि कैसा है क्या है, मैंने पूरा खोल के तो नहीं देखा कि कैमरा कैसा है इसका, तो मैं आपके सामने खोलती हूँ कि कैसा है इसका कैमरा। वो भी सैमसंग का है और ये भी सैमसंग का है। ये भी भैया ने ला रखा, वो भी भैया ने ना, जितने भी फोन मेरे पास आए हैं आज तक वो भैया ही ने लाए। और थैंक यू सो मच भैया मेरे को ये फोन देने के लिए। मेरे भैया ना दुनिया के बेस्ट भैया, मतलब ये पता है जो ये मेरा ये पहला वाला फोन है उसको एक साल भी नहीं हुआ अभी, मतलब हाँ इस दीपावली को एक साल होता और दूसरे दीपावली को न्यू फोन आ गया मेरा। तो खोल रही हूँ मैं अभी आपके सामने और पहले ही हाथ के निशान पड़ गए दिख रहे हैं। जब तक ये ओपन होता मैं आपको दूसरा गिफ्ट दिखाती हूँ अपने। भैया ने मेरे को जैकेट दे रखा है, थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। जितना भी अपने भैया को थैंक यू बोलूँ ना उतना ही कम है। और ये मैं आपको कल दिखाऊंगी अच्छे से, अभी तो नहीं दिख रहा होगा ना वो इतना खास, पर बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच भैया। और मम्मी ने मेरे को ये एक सलवार भेजा है ना, गर्म है बहुत ही। ये दीदी ने, क्योंकि दीदी गई थी वहां पे शॉपिंग करने के लिए, भारती दीदी, क्योंकि उनका शॉप खोल रखी है देहरादून में अपने वहां, तो उन्होंने मुझे ये दिया क्योंकि उन्होंने अपने दुकान में भी ला रखे और बहुत ही अच्छे हैं, कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, मतलब इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग सकती और हम मेरे लिए तो बहुत ही जरूरी था तो इसलिए। और ओपन कर दिया मैंने, देख सकते आप। तो हमने खाना भी खा दिया है और आज बनाया था हमने आलू का गुटके और सिवाय बनाई थी, तो ऊपर चाची ने, ऊपर वाली मैंने सोना की दादी ने हमें दूध दे दिया था सुबह के टाइम पे, तो हमने अभी सिवाई बना रखी है और अभी खा के आ गए मैं ऊपर। और ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक एंड प्रेस करना ताकि जो मेरे नए नए वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।